मैजिक 106.4 एफएम पे मेरा नाम है करम। अभी बचपन में हम लोग बोलते थे ना, एक चीज बहुत फेमस थी, दैट वाज अक्कड़ बक्कड़। बट नाउ द थिंग दैट इज मोस्ट फेमस इज कक्कर। बॉलीवुड में कक्कर बहुत फेमस है, एंड मेरे साथ आकृति कक्कर यहाँ पे आई है, क्या स्माइल कर रही है जी। वेलकम आपका। थैंक यू। ये बड़ा अलग किस्म का इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, मेरी इंट्रोडक्शन स्पेशली वो जो स्टेज शोज होते हैं ना, जिसपे एंकर्स को एक ही, मतलब मुझे पता होता है क्या बोलने वाले हैं। अभी मेरे नाम के जस्ट पहले वो बोलते हैं, इनकी आवाज सुन के आ जाएंगे आपको चक्कर, इनको दे नहीं सकता कोई टक्कर, आपके सामने आने जा रही है। मेरा अलग था थोड़ा, मतलब वेरी क्रिएटिव, वेरी टैलेंटेड, एंड यू आर आल्सो इन अ वे रिस्पांसिबल। मतलब कई सारे मुंडे कुड़ियों सबको वो पार्टी सिखाने के लिए, अभी मतलब वीकडे भी चालू हो तो वो सैटरडे सैटरडे गा रहे हो। बस ऐसे ही है, वी व्हाट टू डू, मंडे ब्लूज हटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। व्हाट इज योर सैटरडे सैटरडे लाइक, लाइक आप यूजुअली सैटरडेज को आप बाहर कहीं जाते हो, वैसा सीन होता है मेरा? क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे मंडे और संडे के बीच में कोई फर्क पता ही नहीं चलता, अनलेस माई ड्राइवर डजंट शो अप ऑन संडे, सो आई गेट टू नो, ओ शेखर जी आज आप आए नहीं हो, संडे होगा। सो दैट्स हाउ आई गेट टू नो। अदरवाइज मोस्टली माई ट्रैवल रिलेटेड टू कॉन्सर्ट्स इज ऑन वीकेंड, सो बिगिनिंग फ्राइडे नॉर्मली ट्रैवल होता है, तो मेरी नसीब में वैसा वाला वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्रीटी मच मंडे इज ऑल्सो लाइक अ वीकेंड फॉर मी। एंड अबाउट चिट्टा कुक्कड़, जो ये गाना है जो मैं काफी बार रिपीट पे देख चुका हूँ, चिट्टा कुक्कड़ एंड बागे, दिस इज लाइक अ वेरी ओल्ड ओल्ड फोक सॉन्ग, इसको आपने रिक्रिएट करना वो भी एक चैलेंज होता है, मतलब एक तरीके से। तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस सॉन्ग एंड आपने इसको रिक्रिएट किया? देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स यू नो, एंड ऑल ऑफ दीस पंजाबी फोक सॉन्ग्स हैव बीन सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप इयर्स। जब मैं दिल्ली में रहती थी, मैं दादाजी जो मेरे थे वो सारा टाइम उनका ट्रांजिस्टर प्ले होता रहता था, और अगर रात को भी उनका ट्रांजिस्टर बंद हुआ तो उनकी नींद खुल जाती थी, चाहे वो मतलब प्रकाश कौर, सुरेंद्र कौर, आशा सिंह मस्ताना, इन सब की चीज़ें बैक टू बैक मतलब बजता ही रहता था। तो आई थिंक उसकी वजह से एक वो एक यू नो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में ये सब बैठा हुआ है, एंड आई हैव डन सो मेनी रिक्रिएशंस, माय ओन इंटरप्रिटेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले 10 महीने में, एंड उसको सबको अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं तो सबको बहुत प्यार मिलता है, पर मुझे हमेशा ये सुनने को आता है फैंस जो भी या तो कॉन्सर्ट्स में मिलते हैं या सोशल मीडिया पे, कि आप पंजाबी फोक क्यों नहीं करते हो? बीइंग अ पंजाबी गर्ल, लिविंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, लिविंग इन मुंबई, पर मैंने बंगाल में भी बहुत काम किया है, तो वो कहते हैं यार आप पंजाबी छोड़ के बंगाली भी करते हो तो आप पंजाबी क्यों नहीं करते हो? सो आई थॉट इट्स अबाउट टाइम कि मैं कोई एक ऐसा पंजाबी फोक उठाऊं जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। ऐसा होता है ना घर पे, दैट इफ अ चाइल्ड इज यू नो एन आर्टिस्ट एंड सम काइंड ऑफ आर्ट इज देयर इन दैट चाइल्ड, तो वो रिलेटिव्स के सामने करवाया जाता है। आई एम श्योर आपसे भी फूफा जी नुए दिखा दो, अंकल नुए दिखा दो, ये काफी कराया हुआ है बहुत ज्यादा, बट उस टाइम ये सब कुछ नहीं था। अच्छा गाना गाने, हाँ ओके, कुछ नहीं, आई वाज सुपर बिंदास। अब मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ क्योंकि अब पता, अवेयरनेस उतनी हो गई है। But there has been one incident. I think मैं शायद 4 साल की थी, मैंने बस गाना और वर्ड्स बोलना शुरू ही किया था, तो जो भी टी वी पे आता था, I used to pick up. तो पापा के बॉस आए एंड उनके बॉस घर पे आए डिनर के लिए, वेरी फॉर्मल सिनेरियो, अभी भाई बेटा गाना सुनाओ या पोएम सुनाओ, वेरी कॉन्फिडेंटली आई डिडंट आस्क क्या गाऊँ, कुछ नहीं, मैं खड़े होके मैंने कुछ ऐसा गाया, उसके बाद में सन्नाटा था, मैंने एक गर्भ निरोधक प्रोडक्ट की एड गाई थी उनके सामने, जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसानी और समथिंग, सो आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज सिंगिंग, बट आई सैंग इट एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स डिडंट नो वेयर टू लुक। वाओ, सो व्हेन वाज दिस रिवील्ड टू यू? When I probably had, I think much later. Much later. Much later when I exactly knew गर्भ निरोधक क्या है। discussion हुआ, अभी इसको बताने का वक्त आ गया है। ये discussion करने का वक्त आ चुका है। And इतने सारे गाने तभी मतलब आप गाते थे, तो कौन सा एक गाना आपसे बहुत गवाया जाता था? तो सबसे पहले I think the first time that I actually ever sang was around 4.5 years of age, when my chachas was getting married, and घर पे वो ढोलकी चम्मच बजाने वाला वो लेडी संगीत वाला सीन, तो मैंने गाना शुरू किया, हो कंगी वामा ते दुखन मेरे वाल नी माए, मैं ते हो गई आलो बेहाल नी माए, हो कंगी वामा ते दुखन मेरे वाल नी माए, तो बस ये मुझे आता था, तो मैंने ऐसे खड़े होके ऐसे 4 लाइन गा दिया, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन प्रॉबली माय पेरेंट्स रियलाइज्ड
कि ऐसा नहीं है कि हम ही बोलते हैं इसको गाने के लिए, इसका खुद भी मन करता है. वाओ. जो ऐसे फोक सॉन्ग होते हैं इतने फेमस, उसको रिक्रिएट करने का एक प्रेशर भी रहता है. अरे डेफिनेटली, सबसे पहले तो वही पॉइंट आता है. और अभी सबसे हाल फिलहाल की बात करें तो इसी गाने के ट्यून के ऊपर लैम्बोर्गिनी वाज मेड. करेक्ट, थैंक गॉड यू नो. बट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उसके नीचे मैं देख रही हूँ, मतलब आई थिंक 1 out of every 20 कॉमेंट्स इज अरे दिस साउंड्स लाइक लैम्बोर्गिनी. अभी मैं थोड़ी जाके एक्सप्लेनेशन दूंगी. फेस पाम, ऐसा फेस पाम का कुछ डाल दो उसमें. आई कैन है, बट अभी वो पर्सनली जाके हजारों कमेंट्स को रिप्लाई करना इम्पॉसिबल है. बट दैट्स ओके. आई मीन माय आइडिया इज दैट अगर मैं फोक कर रही हूँ या इससे पहले भी जो भी मैंने गाने अपने तरीके से रिलीज करे हैं, बनाए हैं, माय पॉइंट इज दैट आई नेवर वांट टू स्पॉइल द ओरिजिनल सैंक्टिटी ऑफ अ सॉन्ग. आई वाज रीडिंग ऑल द कमेंट्स आल्सो, लाइक मेजरली मैंने कोई नेगेटिव तो देखा नहीं वैसे. कमेंट्स सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं. एक तो कमेंट ऐसा भी था, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस, सो स्वीट, ब्यूटीफुल वॉइस, एक्सप्रेशन, म्यूजिक एंड एम्बियंस. ऐसा भी कमेंट आया, मतलब उसमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट है. फील सो ओवरवेलमिंग कि आपको लोग इतना इतना टाइम दे रहे हैं और ये जेन्युइन लोग हैं. आई जस्ट पुट माई मेक माई म्यूजिक, ट्राई टू डू अ जस्टिफाइड वीडियो एंड जस्ट अपलोड इट एंड इट ट्रैवल्स ऑन इट्स ओन. 106.4 मैजिक जी लैसना.